हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और एक 25 साल की लड़की अपने रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आकर कुछ दिनों के लिए सोलो ड्राइविंग ट्रिप पर निकल पड़ी, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से वो एक ऐसे कैनियन में फंस गई जहां हर साल 4 से 5 लोगों की मौत हो जाती है ऐसे सिचुएशन में। पर क्या ये लड़की उस कैनियन से बाहर निकल पाई, या फिर बाकी लोगों की तरह वो भी इन कैनियन के वादियों में अपना दम तोड़ दिया, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 25 वर्ष के लिंडा स्क्वर्ना एक सोलो ड्राइविंग ट्रिप की तैयारी कर रही थी। दरअसल वो एक नर्स थी जो पिट्सबर्ग में नर्सिंग का काम किया करती थी, जहां से उन्हें 3 हफ्तों की छुट्टी मिली थी। प्रत्येक दिन होने वाले स्ट्रेस से दूर जाना चाहती थी। अक्सर वो हॉस्पिटल में एक जैसे चेहरे देख देख कर बोर हो चुकी थी, इसलिए लिंडा इस बार बाहर की दुनिया घूमना चाह रही थी। और अपने इस छुट्टी को और भी खास बनाने के लिए उसने सोलो ड्राइविंग ट्रिप की प्लान बनाया। इसी बहाने वो थोड़े बहुत अमेरिका भी घूम की। और सबसे खास कि इन छुट्टियों में एक जैसे चेहरे देखने को नहीं मिलेगा। प्लान के मुताबिक लिंडा जरूरत के सामान को अपने गाड़ी में रख लिया, साथ ही उसका प्यारा सा कुत्ता कोको ग्रेन को भी अपने साथ लेकर निकल पड़ी। उसका प्लान था कि वो हर रोज 6 से 7 घंटे ड्राइव करेगी और शाम को किसी सुरक्षित जगह पर टेंट लगाकर वहीं रात बिताएगी। ठीक इसी तरह हर रोज चलता रहा। वो दिन भर गाड़ी चलाती और फिर शाम होते ही टेंट लगाकर खाना खाकर वहीं पर सो जाती। इसी तरह से करीब 2 हफ्ते गुजर गए और इस दौरान वो करीब 2000 माइल्स की यात्रा कर चुकी थी, लेकिन अभी तक उसे कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। इसलिए अपने सफर को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो ग्रैंड कैनियन पर हाइकिंग करने के बारे में सोचने लगी। वो हॉस्पिटल में अक्सर ऐसे हाइकिंग के बारे में सोचा करती थी, इसलिए इस वक्त हाइकिंग करने का उसके पास अच्छा चांस भी था और इसे वो गंवाना भी नहीं चाहती थी। दरअसल लिंडा अभी जहाँ पर थी वहाँ से ग्रैंड कैनियन महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए लिंडा ना सोचे समझे कैनियन की ओर बढ़ने लगी। कैनियन में एंट्री होने से पहले वो एक शॉप पर गई जहां पर उन्होंने कुछ जरूरत के सामान को रख लिया, साथ ही वहां से एक पोस्ट कार्ड भी खरीदी। इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से वो अपने परिवार को बताना चाहती थी कि वो कुशल मंगल है और वो कैनियन पर हाइकिंग के लिए जाने वाली है। तभी लिंडा की नजर एक पोस्ट कार्ड पर गई जिसमें वाटरफॉल की तस्वीरें बनी हुई थी। ये देखकर उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, इसलिए उन्होंने इस बारे में शॉप के मालिक से पूछा कि क्या सच में यहाँ पर कोई वाटरफॉल मौजूद है। तब उसने कहा कि यहाँ पर कोई वाटरफॉल तो नहीं है, लेकिन जब आप कैनियन के हिल टॉप पर जाएंगे तब आपको एक वैली मिलेगी जहाँ पर आपको ये वाटरफॉल देखने को मिलेगा। इसके बाद लिंडा वहाँ से एक पोस्ट कार्ड लेकर उसे पोस्ट कर देती है अपने परिवार वालों को। हाइकिंग के शुरुआती सफर में लिंडा कुछ दूर कार से सफर करती है। करीब 35 माइल्स ड्राइव करने के बाद रास्ता इतना खराब मिलता जाता है कि अब उसे आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। दोपहर का समय था, अब लिंडा कार से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ने लगी। पर हिल की ऊंचाई देखकर लिंडा अपने आप को बेहद छोटा महसूस कर रही थी कि मुझे उस ऊंचाई तक चढ़ना पड़ेगा जहां शायद नीचे किसी को देख पाना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उस ऊंचाई के सामने मेरा कद बेहद छोटा लग रहा है। जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ रही थी ठीक वैसे वैसे सूरज भी ढल रहा था, इसलिए रात होने से पहले लिंडा इंडियन विलेज तक पहुंचना चाहती थी ताकि वो ग्रामीणों के साथ रात आराम से गुजार सके। दरअसल इंडियन विलेज के पास एक बेहद ही छोटा गांव बसा हुआ है जहां करीब 50 से 60 लोग रहा करते हैं। ट्रायल के अंत तक पहुंचने के बाद उसे एक साइन बोर्ड दिखाई दिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि उस दुकान वाले ने उसे राइट डायरेक्शन में जाने के लिए बताया था, पर उस बोर्ड का राइट साइड समझ में नहीं आ रहा था। एक डायरेक्शन में वाटरफॉल और सेफ इंडियन विलेज था, तो वहीं दूसरे डायरेक्शन में खतरा। कुछ देर सोचने के बाद लिंडा अपने राइट डायरेक्शन में जाने लगी, जो ये डायरेक्शन उसके लिए गलत था क्योंकि उन्हें लगा कि वो वैली की ओर जा रही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे सूरज भी अस्त होता जा रहा था, इसके बावजूद भी वो आगे की ओर बढ़ रही थी। कुछ दूर तय करने के बाद वो सोचने लगी कि शायद मैं गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्योंकि उस दुकानदार के बताए अनुसार अभी तक हमें इंडियन विलेज मिल जाना चाहिए था, पर अभी तक यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। साथ ही वो वापस उस साइन बोर्ड के पास जाकर दूसरे डायरेक्शन में जाने के बारे में सोचने लगी, पर लिंडा उस साइन बोर्ड से बहुत दूर निकल चुकी थी। पर अगर वो वापस जाएगी तो उसे उस साइन बोर्ड तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, इसलिए लिंडा वापस जाने के बारे में छोड़ दी और उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। अब उसे लंबी लंबी हिल्स की दीवारें मिल रही थी जिस वजह से चलने वाले रास्तों पर अंधेरा होता जा रहा।
रहा था। अब उसे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। साथ ही अपने साथ लाई उसके बैग का भी वजन काफी ज्यादा था, जिस वजह से वो और भी ज्यादा थक चुकी थी। उस बैग में खाने पीने की चीजें रखी हुई थी, जैसे कि पानी की बोतल, कुछ ड्राई फ्रूट्स और अपने जरूरत का सामान। इसके बावजूद लिंडा उस बैग को वहीं पर छोड़ दी, ये सोचकर कि अगर हम बैग को अपने साथ ले जाएंगे तो शायद हम जल्दी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे और इस वक्त हमें जल्द से जल्द इंडियन विलेज तक पहुंचना पड़ेगा। अगले दिन हम उस बैग को फिर से उठा लेंगे। लेकिन ये एक तरह से बेवकूफी वाला फैसला था, क्योंकि खाना और पानी के बिना वो मर भी सकती थी, पर इस वक्त उसका ध्यान किसी विलेज को खोजना था। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोच रही थी। चलते चलते अब रात हो गई। वो मदद के लिए आवाजें लगाने लगी, पर उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब उसे काफी डर लगने लगा, क्योंकि उसके साथ सिर्फ उसका कुत्ता था और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। अंधेरा देखकर वो रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी कि आखिर मैंने हाइकिंग के बारे में क्यों सोचा। अच्छी भली मेरी जिंदगी गुजर रही थी, पर थोड़े से स्ट्रेस को कम करने की वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, पता नहीं आगे और क्या क्या होने वाला था। जैसे जैसे रातें बीत रही थी, वैसे वैसे टेम्परेचर भी कम होता जा रहा था, जिस वजह से ठंड भी बढ़ती जा रही थी। ठंड से बचने के लिए उसके पास कोई सामान भी नहीं था। रात भर ठंड से कांपते हुए उन्होंने किसी तरह से रात गुजार लिया। अगली सुबह वो फिर से चलना शुरू की और चलते चलते वो लगातार आवाज भी लगा रही थी ताकि कोई उसे सुन ले, पर ऐसे सिचुएशन में किसी इंसान का मिल जाना बेहद मुश्किल है। ऐसे ही रिलेटेड केनियन का सर्वाइवल वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं अपने वीडियो में। दोपहर तक टेम्परेचर काफी अधिक बढ़ जाता है। उसने 24 घंटे से कुछ भी खाया पिया नहीं था, इसलिए अब उसका गला भी सूखने लगा। उसने खाने पीने की चीजों को बैग के साथ ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से अब उसे भूख प्यास में ही रहना पड़ेगा। पर इतनी तेज धूप में खाने के बिना रहा जा सकता है, पर बिना पानी पिए एक दिन भी गुजारना बेहद मुश्किल है। इसलिए वो अपने चारों ओर पानी देखने लगी, पर उसे कहीं भी पानी की एक बूंद भी दिखाई नहीं दिया। अब वो 2000 माइल्स में फैले इस विशालकाय कैनियन में गुम हो चुकी थी। दूसरी रात पहली रात के मुकाबले ज्यादा मुश्किलों से बीता। भूख प्यास, ऊपर से कड़कड़ाती ठंड, किसी तरह से ये दूसरी रात भी गुजर गई। सफर का तीसरा दिन मंडे था और लिंडा अभी तक पानी नहीं खोज पाई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार इस कैनियन में हर साल डिहाइड्रेशन की वजह से करीब 4 से 5 लोगों की मौत हो जाती है, पर अभी तक लिंडा खुशकिस्मत थी कि वो दूसरे दिन तक भी जिंदा थी बिना पानी पिए। आगे चलने पर उसे कैनियन से गिरते हुए कुछ पानी के बूंदे दिखाई दिया। लिंडा का कुत्ता दौड़कर उस पानी को पीने लगा जो भी वहाँ जमीन में थोड़ा बहुत पानी जमा हुआ था। लिंडा सोचने लगी कि पानी की इन बूंदों को कैसे जमा किया जाए, जो बेहद धीरे धीरे गिर रही थी। तभी उसने अपना पर्स चेक किया, जहाँ उसे आई ग्लास कवर मिला। उसे ले जाकर वो उस टपकती बूंदों के पास रख दिया और खुद छांव के नीचे आराम करने लगी, जब तक कि पानी कुछ हद तक जमा ना हो जाए। करीब 1 घंटे के बाद थोड़ा बहुत पानी जमा हो गया, उसे वो पी गई। इसी तरह जमा करके वो लगातार पानी पीने लगी, जब तक कि उसकी प्यास न मिट गई। इसी तरह एक और रात बीत गया। चौथे दिन उसने अपने पर्स से डायरी निकालकर कुछ देखने लगी। तभी उसे याद आया कि उसने एक पोस्टकार्ड अपने घर वालों को भेजी थी, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं हाइकिंग के लिए जा रही हूँ और मैं सही सलामत हूँ, इसलिए शायद उसके फैमिली वाले भी उन्हें खोजने के लिए नहीं आएंगे और मेरे मिसिंग होने की खबर किसी को भी नहीं है। पांचवा दिन पानी को जमा करने के लिए उसी आई कवर में जमा होने के लिए छोड़ दी। दरअसल उसका प्लान था कि वो दिन भर इधर उधर किसी को खोजेगी और शाम होने पर फिर से पानी वाले जगह पर लौट आएगी। इसी तरह से करते करते करीब 11 दिन बीत गया। वो करीब 11 दिनों से भूखी थी। इन 11 दिनों के सफर में वो सिर्फ पानी पीकर ही गुजार रही थी। दिन प्रतिदिन वो पतली होती जा रही थी। करीब 1 से 2 घंटे के लंबे वक्त के बाद उसने थोड़ा बहुत पानी जमा किया, पर उसका कुत्ता भी शायद प्यासा था, इसीलिए उस कुत्ते ने उस पानी को पीने के चक्कर में गिरा दिया, जिसे देखकर लिंडा कुत्ते को डांटने लगी। डांट सुनकर कुत्ता भी वहाँ से भाग गया। इसी बीच उस रात तेज बारिश होने लगी। लिंडा उस बारिश में पूरी तरह से भीग गई और ठंड से कांपने लगी। अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो गाना गाने लगी। किसी तरह ठंड और बारिश में ये रात भी गुजर गई। अगली सुबह वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी, तभी उसे रास्ते में एक बोतल पड़ा हुआ मिला। दरअसल ये बोतल शराब का था, पर वो पूरी तरह से खाली था। लिंडा ने सोचा कि अगर हम इस बोतल में पानी भर लेंगे तो शायद हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लिंडा को एक बोतल पानी भरने में करीब 2 दिनों का लंबा समय लगा। पानी भरकर अब लिंडा आगे की ओर बढ़ने लगी, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी उसे बड़े बड़े पत्थरों के चट्टान मिल रहे थे। इसी दौरान उसका बोतल नीचे गिरकर टूट गया। अब एक
बार फिर से वो जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ देती है, पर ये जीने की चाहत ही थी जो उसे चट्टानों पर चलने की हिम्मत दे रही थी। किसी तरह से वो चट्टान को पार करके ऊपर पहुंच गई, जहां दूर उसे कुछ घोड़े दिखाई दिया। इन घोड़ों को देखकर उसे एक उम्मीद दिखाई दिया कि शायद इसके आसपास जरूर कोई इंसान होगा जिसका ये घोड़ा होगा, पर उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। फिर भी लिंडा हार नहीं मानी और उन घोड़ों के पास जाने लगी। तभी उसे एक गड्ढे में पानी दिखाई दिया, पर यह पानी बेहद गंदा था। साथ ही पानी के ऊपर छोटे छोटे कीड़े मरे हुए थे, पर इस वक्त उसे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस पानी को भी पी लिया। इसी तरह से करीब 18 दिन गुजर गया। 19वां दिन जब लिंडा सुबह सो रही थी, तभी अचानक उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दिया। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर इतने बड़े कैनियन से किसी इंसान को देख पाना बेहद मुश्किल होगा, इसलिए उस हेलीकॉप्टर से लिंडा को देख नहीं पाया और वो वापस चला गया। लिंडा को एक उम्मीद की किरण दिखाई दिया था, पर अफसोस ये उम्मीद सिर्फ ख्वाबों में ही रह गई। 20वां दिन, लगातार भूख प्यास में रहने की वजह से लिंडा मेंटली और फिजिकली कमजोर हो चुकी थी, अब उससे उठा भी नहीं जा रहा था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दिया। उसे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम होगा, पर कुछ ही देर बाद उसे 4 आदमी दिखाई दिया जो ठीक उसी की तरफ आ रहे थे। लिंडा ये देख बेहद खुश हुई। तब तक वो लोग भी लिंडा के पास आ गए और उसे उठाकर इंडियन विलेज में ले गए, जहां उसे उसका भाई और भाभी मिली। दोनों से गले मिलकर लिंडा रोने लगी। वहां के लोकल लोग उसके कुत्ते को भी खोज लिया। कुछ इस प्रकार से लिंडा और उसके कुत्ते की जान बच गई। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।